दोस्तों अभी मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया था। वो जॉब करता है तो उसके पास कुछ महीने में सेविंग हो जाती है, तो वो उस पैसे को थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो अभी उसका कॉल आया था, वो मुझसे पूछ रहा था कि हमें कोई अच्छा डीमेट अकाउंट बताओ, क्योंकि मैं जब डीमेट अकाउंट का मैंने वीडियो वगैरह भी देखे हुए हैं ऐसा वो बोल रहा था, लेकिन प्रॉपर समझ में नहीं आया कि मुझे कभी कभी ट्रेड करनी है, मतलब कि सिर्फ डिलीवरी में कोई लॉन्ग टाइम के लिए शेयर ख़रीदना है, तो किस कंपनी में मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अभी उसका कॉल दोबारा भी आएगा, ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा। ये देखो आ भी गया। हेलो, नहीं तो देखो तुम्हें मतलब कि ऐसे 2-4 महीने बाद ही शेयर ख़रीदने हैं ना, कंपनियों में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम ट्रेडिंग करो, मतलब कि खरीदो फिर उनको बेचो सेम डे, ऐसा नहीं करोगे ना। हाँ, वो डिलीवरी वाला ऑप्शन होता है, उसी में लॉन्ग टाइम के लिए तुम किसी भी कंपनी के शेयर ख़रीद सकती हैं। हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट डीमेट अकाउंट। हाँ देखो मैं तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, और आप भी हमारे बेस्ट सब्सक्राइबर हो, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। तो देखो जो बेस्ट डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ ही अच्छे डीमेट अकाउंट हैं। कुछ कंपनियां तो पता नहीं जाने कैसी चल रही हैं, उनको कोई यूज ही नहीं करता। अब ऐसी कंपनी तो मैं तुम्हें तो सजेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है। तो देखो बेस्ट डीमेट अकाउंट है, एक तो आपका एंजल वन है, एक आपका अपस्टॉक है, आपका जीरोधा है, हाँ ग्रो एप्लीकेशन भी है, हाँ और धन एप्लीकेशन है, इसके बाद भी और आपके 5paisa ICICI डायरेक्ट भी है, ठीक है। हाँ लेकिन मैं आपको देखो अब मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बिगनर हैं, आप एक न्यू हैं, आप कभी कभी एप्लीकेशन को यूज करेंगे, और मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जिसमें आपका कोई चार्ज ही नहीं लगेगा। जब डिलीवरी में ही आपको ट्रेड करनी है ना, तो डिलीवरी में फिर ऐसा डीमेट अकाउंट देखो ना जिसमें चार्ज लग ही नहीं रहा हो, ठीक है। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में डिलीवरी में चार्ज नहीं लगता है, तो एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जीरोदा है, जीरोदा में भी डिलीवरी में चार्ज नहीं लगता है, तो आप जीरोदा में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ अब एंजल और जीरोदा में से कौन सा बेस्ट है, तो देखो मैं आपको बता दूं, जब आप जीरोदा में अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो इसमें अकाउंट ओपनिंग का पैसा लगेगा, हाँ 200 रुपये लगता है जीरोदा में अकाउंट ओपनिंग का। हाँ और एंजल वन में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। हाँ और फिर इसके बाद बात करें तो AMC चार्ज तो दोनों में लगभग लगभग सेम ही है, तो वो मैटर करता नहीं है। हाँ तो तुम जीरोदा में ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट, या फिर एंजल वन में कर सकते हैं। हाँ और इसके बाद आप स्टॉक में अकाउंट डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदोगे तो उसका चार्ज लगेगा, तो आप स्टॉक में तुम ब्रोकरेज क्यों दे रहे हो, फिर आप स्टॉक में डिलीवरी के लिए मत खोलो ना। ग्रो एप्लीकेशन में भी डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदो तो चार्ज लगता है। हाँ तो डिलीवरी के लिए आपका एंजल वन और जीरोदा, ये दो डीमेट अकाउंट बेस्ट निकल के आ रहे हैं। हाँ, और वैसे आप धन में भी अकाउंट ओपन कर सकती हैं, बट बात ये है कि फिर बेस्ट एंजल वन है ना, तो फिर आप एंजल वन या फिर जीरोदा में खोल लो। वैसे एंजल वन में खोल लो क्योंकि अकाउंट ओपनिंग का चार्ज भी नहीं लगेगा। हाँ और एंजल वन बेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो एंजल वन को ही डन कर दो, ठीक है। हाँ तो एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम फिर मुझे पूछ लेना। और दोस्तों आपको भी मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है कि एंजल वन में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर फिर मैं आपसे चैट कर लूँगा और मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ पर क्या फिल करना है, तो आपका अकाउंट इंस्टेंट ओपन हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है, एंजल वन में करो डन, ठीक है।